हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विनय कंबोज और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ी है ये MG ग्लोस्टर। गाड़ी का साइज़ तो आप देख सकते हैं, ये अभी MG के पवेलियन के अंदर यहाँ पे खड़ी है, MG के हॉल में खड़ी है। इसके अंदर कोई, जब आप इसको एक्सटीरियर से देखेंगे तो इतने ज़्यादा कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा इसके अलॉयज़ का। अलॉयज़ जो है उनको थोड़ा हाँ यहाँ पे चेंज किया, उसके बाद अडास के अंदर कुछ एक जो फीचर्स हैं वो एड यहाँ पे किए हैं। अभी लेवल 1 अडास आपको यहाँ पे मिल रहा है, हेक्टर के अंदर आपने जो देखा वहाँ पे लेवल 2 आ गया। तो इसके बारे में बात करते हैं, मैं एक्सटीरियर लुक आपको इसकी दिखा देता हूँ और इंटीरियर्स में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के इंटीरियर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं। सो भाई, जब गाड़ी को आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइड ये गाड़ी लगती है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ये गाड़ी है। 4x4 आपको यहाँ पे मिलता है और इसका ग्रिल आप देखिए सामने, जो इसका फेशिया है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड इसको रखा गया है और यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है और ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूज़ की गई है। ये MG का लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपको ये कैमरा दे दिया गया है। सामने की तरफ आपको सेंसर्स भी मिलेंगे, इधर की तरफ भी आपको मिलेगा और कॉर्नरिंग के लिए मिलेंगे। तो टोटल 6 सेंसर्स आपको सामने की तरफ ऑफर किए गए हैं। ये आपको यहाँ पे हेडलाइट यूनिट आपको मिल जाएगी, ड्यूल आपको प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पे दे दी गई हैं और LEDs आपको मिलने वाली हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे फॉग लैंप और रेगुलर हेलोजन फॉग लैंप आपको ऑफर किया गया है, स्पेस दिया गया है। बेसिकली एयर कर्टन्स हैं यहाँ पे, एयर फ्लो के लिए आपको स्पेस मिलता है। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड काफ़ी अच्छा है, इसका जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है और इसको फ्लैट रखने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी लगती है। साइड से जब आप देखते हैं तो साइड प्रोफाइल भी गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी बड़ी ये साइज़ के अंदर लगती है। एक बार मैं टायर साइज़ आपको दिखा देता हूँ। टायर साइज़ जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल जो है 255x55 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फुट स्टेप्स आपको दिए गए हैं अंदर इजी एंट्री और एग्जिट के लिए। एक बार मैं रियर से भी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। सो रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं सो रियर लुक्स भी जो गाड़ी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव यहाँ पे रखे गए हैं। उधर की तरफ आपको अडास लिखा मिलेगा, इधर की तरफ इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे ग्लोस्टर की बैजिंग आपको मिलेगी। और जो साइज़ है इसका, फोन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रखा गया है और यहाँ पे भी आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रियर के लिए कैमरा। इसके टेल लाइट्स आप देखिए, टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। और साइड में आपको ये जो पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है इस सिल्वर फिनिश का और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। हैंडल्स पे आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगी और अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको इस तरह के इंटीरियर्स यहाँ पे मिलेंगे, इस ब्लैक और इस टैन कलर के इंटीरियर्स मिलेंगे। और सॉफ्ट टच यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक के लिए कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये सीट जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और मेमोरी सेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मिरर्स की एडजस्टमेंट और ये स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो डी कट स्टेयरिंग आपको मिलता है, लेदर रैप भी है यहाँ पे स्टेयरिंग मिलने वाला है। इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा और यहाँ पे वॉइस कमांड आपको मिलेगा। और हर जगह जो ये मटेरियल यूज़ किया गया है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ये म्यूज़िक सिस्टम ऑफर कर दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ऑटो एसी की यूनिट और ये आपको यहाँ पे नोब यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ जब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑटो डिमिंग IRVM और यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ। तो ओवरऑल जो इंटीरियर्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अडास फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं, एयर बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ABS ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर कर दी गई हैं। तो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। तो आपको किस तरह की लगी ये गाड़ी कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो ये था हमारा एक वीडियो इस MG ग्लोस्टर पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।